नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। पिछली वीडियो हमने उपसर्ग का अर्थ और उसकी परिभाषा को पढ़ा और समझा, और उसी क्रम में आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आइए अब हम आ गए बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे उपसर्ग के प्रकार। पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग के प्रकारों को जान लिया था कि उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। आज हम उन्हीं प्रकारों में से पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। जी हाँ, हिंदी में हम उपसर्ग पढ़ते हैं जो उनमें संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं। तो पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और शुरू कर दीजिए लिखना संस्कृत के उपसर्ग। तो हिंदी में संस्कृत के 22 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ संस्कृत के 22 उपसर्गों को पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे और उनसे बने नए शब्दों को भी जानेंगे, और ये भी देखेंगे और आप लोग भी ये देखेंगे क्या ये इतने सरल हैं उपसर्ग जितना हमें पढ़ा है या किताबों में पढ़ा है आप सबने। क्योंकि उपसर्ग का अर्थ आपने इतने जाना है कि आगे लगने से, आगे से पहचान लो, जो भी आपको शब्द मिले वो उपसर्ग होगा आगे से। लेकिन हम इधर जो उपसर्ग आपको पढ़ाएंगे वो आपको बिल्कुल ही अलग तरह के दिखाई देंगे। तो पहला उपसर्ग है अति। अति उपसर्ग का जो अर्थ होता है, पहले उपसर्ग का नाम है अति, और इसका यदि हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ निकलेगा अधिक। अति का अर्थ हुआ अधिक। अब इससे बने आप शब्द देखिए अति से, अत्यधिक। क्या आपको लगता है कि इसमें अति उपसर्ग होगा? अत्यंत। आप सोच में डूब गए होंगे क्या सच में इसमें आती है, क्योंकि इधर तो आ आधा ता है और इधर भी आ आधा ता और या है। लेकिन पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि उपसर्गों को हम तीन पहचानने की तीन विधियां होती हैं, उनमें से हम ये भी इधर प्रयोग करेंगे उनमें से कौन सी विधि का हम उपयोग करके पता लगा सकते हैं। तो आप अति में ये दो शब्दों को देख रहे होंगे, यदि हम इनको संधि में विच्छेद कर दें तो अति प्लस अधिक, अधिक से भी अधिक तो अत्यधिक होगा, ऐसा अत्यंत। अति प्लस अंत बराबर अत्यंत। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कैसे पहचाना हमने? संधि विच्छेद से। इसकी जो दूसरी विधि थी पहचानने की संधि विच्छेद से, उससे हमने पहचान लिया। आप बिल्कुल ना घबरा, जब संधि पढ़ेंगे तो आपके पूरे नियम स्पष्ट हो जाएंगे। तो ये तो हुआ अति। अति का अर्थ होता अधिक और इसके एग्जाम। इसी तरह अब हम एक ऐसा लेते हैं जिसे आप आसानी से पहचान, अतिरिक्त। जी हाँ, देखा होगा आपने लिखा अतिरिक्त, ये तो आप सरलता से पहचान सकते हैं, क्योंकि लगा रिक्त खाली, अतिरिक्त अधिक जो खाली हो और अधिकता से खाली हो जाए वो अतिरिक्त हो गया। तो इधर ये सारे शब्द जो बन के आए हैं अति से, वो अधिकता का हमें ज्ञान कराते हैं। संस्कृत का दूसरे उपसर्ग का नाम है प्र। जी हाँ, प्र उपसर्ग। और प्र उपसर्ग जो है उसका अर्थ होता है अधिक या आगे। ओह बड़ी समस्या, अधिक उधर भी अधिक और प्र का व्यर्थ अधिक, दो दो बार आया। जी हाँ, इसका भी अधिक है और आगे भी है प्राकार। ये हमेशा आप याद रखना, क्योंकि आगे जो हम प्रश्न करेंगे उसके उत्तर आपको सरलता से मिलेंगे। अब इससे बने जो शब्द है, यदि हम प्रा प्लस बल, तो इससे क्या शब्द बनेगा? प्रबल। ये तो हम बहुत आसानी से पहचान जाते हैं, यानी कि प्रबल बहुत अधिक तीव्र बल तो है उसमें, और जब वो काम बहुत तेजी से होने लगे तो प्रबल हो गया बहुत, तो अधिक हुआ कि नहीं, इसलिए उसका नाम, इसीलिए इसका अर्थ पड़ा अधिक। इसी तरह और भी आप शब्द ले सकते हैं, प्र प्लस हार
क्या हो गया? प्रहार माने चोट करना, प्रहार। प्रात एक एक शब्द ऐसा है जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है आपका प्राचार्य। तो प्र प्लस आचार्य, आचार्य यानी शिक्षक होते हैं, लेकिन उनसे भी जो अधिक आगे है, बड़ा है, वो है प्राचार्य। हाँ, इसीलिए इसका अर्थ आप समझ गए क्यों पढ़ा अधिक। तो प्राचार्य, तो प्राचार्य में ये याद रखना छोटा प्रा वाला उपसर्ग है, ना कि बड़ा प्रा। ये बहुत आप कंफ्यूज करता है आप सब। अब हमारा अगला संस्कृत का उपसर्ग है, वो है अनु। जी हाँ, देखते हैं अनु का क्या अर्थ होता है। अनु, अनु का अर्थ है पीछे या फिर समान। अब इससे बने शब्द देखें, यानी कि देखा होगा आपने अभी हम शासन एक शब्द है, और इसमें हम यदि अनु उपसर्ग जोड़ दे आगे तो क्या बन जाएगा, अनुशासन। अब इस शब्द से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अनुशासन जब आता है कहीं पर तो समान सब पर एक समान होता है अनुशासन, ठीक है, सभी एक समान में आ जाते हैं, तो इसलिए इसका अर्थ हुआ अनुशासन। एक और शब्द हम लेते हैं चर। यदि हम इसमें अनु जोड़ दें तो हो जाएगा अनुचर। अनुचर का अर्थ होता है पीछे पीछे चलने वाला, इसी कारण से इसका दूसरा अर्थ पड़ा अनुचर। इसी तरह अनुकरण, अनुकरण मीन्स होता है नकल करना, जहां हम किसी को देख के फिर उस पीछे से उसकी नकल करते हैं तो नाम पड़ा अनुकरण। अनुशीलन आदि ऐसे बहुत से, यानी कि जिन शब्दों के आगे अनु लग जाए तो आप वहां पे देख सकते हैं कि वो उसमें जो उपसर्ग होगा वो अनु होगा। अब हम देखते हैं अगला उपसर्ग। अब अगला जो संस्कृत का उपसर्ग है वो है परा। जी हाँ, अब हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है। परा, परा इसका अर्थ होता है उल्टा, अनादर या पीछे। फिर से वही पीछे, इसमें भी जो अर्थ निकल रहा पीछे हम पहले पढ़ चुके, उसका अर्थ भी पीछे निकल रहा था। देखिए कैसे उल्टा, जब हम एक उदाहरण से समझेंगे अब एक एक कि क्यों इनके अर्थ ऐसे निकलते हैं। परा उपसर्ग में जब जय लगा दें तो क्या हो जाएगा नया शब्द, परा जय। यानी कि जय का उल्टा पराजय हुआ, तो इस कारण से इसका अर्थ इस कारण से भी पड़ा, ठीक है। एक है परा में जब हम भव लगा दें तो नया जो शब्द बनेगा वो है पराभव। पराभव का अर्थ होता है तिरस्कार, तिरस्कार का पर्यायवाची अपमान। तो अनादर का भाव किसमें आ गया, इसमें, इस कारण से इसका अर्थ अनादर भी हुआ। अब पीछे ऐसा क्या है, तो देखिए यदि हम परावसर में मर्श लगा दें तो क्या हो जाएगा नया शब्द, परामर्श। अब आप थोड़े गौर करें इस बात पे, इस शब्द को देखें कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं आपकी सलाह की जरूरत है, तो जब वो आपको बात बताता है या सलाह देता है फिर आप क्या करते हैं, उसकी जो उसने दी है उसी का अनुकरण करेंगे, यानी नकल करेंगे। तो पीछे से करेंगे ना, पहले वो बताएगा उसके पीछे से आप वैसे करोगे, तो इस कारण से इसका नाम पड़ गया पीछे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके इतने सारे, एक उपसर्ग के इतने सारे अर्थ क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे इस उपसर्ग से अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है वैसे उसका अर्थ भी बदलता रहता है। पहले परिभाषा ही में ये लिखा गया है उपसर्ग में कि एक अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अब अगला जो संस्कृत उपसर्ग है वो है सम। तो आइए देखते हैं सम का अर्थ और उससे बनाते हैं नए शब्द। सम, सम का अर्थ है अच्छा या साथ। तो देखिए यदि हम आगे सम लगा दें और एक तोष शब्द तो क्या बनेगा नया शब्द, संतोष। संतोष में सम उपसर्ग है, जी हाँ। और ये कैसे मालूम चला, संधि विच्छेद से।
ये तो हुआ संतोष से हमें अच्छा महसूस होता है, इसलिए ये इसका अर्थ निकलता है। अब है साथ, यदि हम इसमें सम में वाद लगा दें तो नया जो शब्द बनेगा वो बनेगा संवाद। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संवाद जो है बातचीत करते हैं, साथ बैठ के करते हैं, तो इस कारण से इसका नाम पड़ा संवाद। इसी तरह संस्कार आदि और भी शब्द हैं, ऊपर बिंदी रखी जाए तो उसमें औरांग सा सपेरा का हो तो उससे हम पहचान लें, उसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ये इसकी विशेषता होती है पहचान करने की। अब दूसरा जो है वो है अब। अब को देखें जरा, अब जो उपसर्ग है वो किसका भाव कराता है, उसका अर्थ अनादर, अनादर का कैसे कराता है। यदि हम जैसे नत में अव में नत लगाएं तो अवनत हो जाएगा, जो कि अवनत का अर्थ होता है गिरा हुआ या झुका हुआ, हम किसी के सामने झुके हैं तो ये अनादर का भाव होगा, हीनता का भाव आ जाएगा मन में। इसी तरह ये यदि इसका मतलब एक नहीं, अनादर या हीनता का ही अर्थ दर्शा है, ये विशेषता भी बतलाता है किसी किसी शब्द की, इसका अर्थ विशेषता बताने में। जैसे कि अवकाश छुट्टी, एक तरह से एक दिन का अवकाश बताया यानी विशेषता। अवधि ठीक है, एक काल एक समय की विशेषता बताई है अवधि, तो अब से ऐसे हम शब्द ले सकते हैं। अवसर, एक अवसर दिया गया है आपको। आइए अब हम आगे जानते हैं संस्कृत के उपसर्गों के बारे में। देखिए हमने पहले ही बता दिया 22 उपसर्ग होते हैं, फिर भी हम यहाँ इस चार्ट से कोशिश कर रहा है जल्दी से जल्दी पूरा, क्योंकि समय का अभाव है इस कारण से। ठीक है, आप देखिए अगला जो है वो आप, आपका अर्थ निकालता लघुता छोटापन वही हीनता, और एक दूसरा है दूर यानी अपमान। यदि हम माना तो आप देखेंगे मान में आप लगा दिया अपमान, इसमें क्या हुआ लघुता का यानी हीनता का भाव आ गया। अगला है निस, निस का अर्थ होता है पूरा और उल्टा, दो अर्थ देख रहे होंगे आप, उल्टा या विलोम भी कह सकते हैं, तेज का उल्टा निस्तेज होता है। ठीक है, इसी तरह निश्चय जो शब्द है आप ले सकते हैं, उससे निश्चय ही वो पूरा काम कर लेगा तो पूरा का ज्ञान होगा निश्चय शब्द से। अब आप निर, निर, निरकार से निकलता बिना और बाहर, जैसे कि एक उदाहरण है निर्गम बाहर निकल गया, इस कारण से निर्दोष निरअपराध आदि। अगला है अब दुष, दुष, दुष्कार होता कठिन, और उसका जो नया शब्द बना वो है दुष्कार। ठीक है, दुर, दुर का अर्थ निकलता दुष्टता हीनता का भाव, यहाँ भी है हीनता का भाव यहाँ भी आया, ये आपको देखना है ध्यान रखना है। और तो दुराचार, दुराचार समझ रहे होंगे दुष्टता का भाव भी दिखा रहा और हीनता का भी। अगला जो है वो अपि, अपि का अर्थ यदि हम संस्कृत में देखें तो भी होता है, और यहाँ जो निकल रहा है हिंदी में वो निश्चय, और दूसरा जो निकल रहा है वो है आवरण, आवरण माने ढकना चारों तरफ से। अब उससे बना जो शब्द है वो है अपिधान, अपिधान का अर्थ निकलता चारों ओर से ढक लेना, वो होता अपिधान। तो आपको उम्मीद है इस समझ में आ गए होंगे इतने उपसर्ग। अब देखते हैं बाकी आगे के उपसर्ग। आइए अब जानते हैं आगे के उपसर्ग। तो आप बोर्ड पर इस टेबल को देखें, वी, वी का अर्थ होता है भिन्न और असमान। इसका बना उदाहरण वियोग, यानी कि योग से अलग है, उल्टा भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। वियोग विहार, अलग अलग स्थानों पर घूमना फिरना उसे बोलते हैं विहार। और नी, नी का अर्थ है निषेध, मना करना है, और उसका है निवारण। यदि हम एक उदाहरण देखें आ, आ उपसर्ग जो है उसका अर्थ निकलता उल्टा और तक। आकार, आहार, एक आकार निश्चित होता तो उसका अर्थ जो है वो तक से लेके इसलिए लिया गया आकार में। और अधि, अधि का अर्थ निकलता ऊपर और समीप या निकट, यानी कि अधिकार, तो हम किसी के ऊपर अधिकार जमाते हैं जताते हैं तो ऊपर, तो इस कारण से अधिकार जो है वो ऊपर अर्थ से लिया गया। और समीप, अध्ययन, दूसरा जो आपका लिए अध्ययन लिखा है, अध्ययन जहाँ अध्ययन करते हैं पढ़ाई करते हैं, तो समीप निकट बैठकर गुरु के पास मित्र के पास घर परिवार में सदस्यों के साथ अध्ययन करते हैं, बुक से भी अध्ययन करते हैं, इसलिए पुस्तक समीप रखकर, तो उसका अर्थ में लिया अध्ययन। तो अध्ययन में अभी अधि
उपसर्ग है ये आपको ध्यान रखना है, नहीं क्योंकि अध्ययन में जो हम संधि विच्छेद करें तब आपको मालूम चलेगा आधी बाहर निकाला आएगा। सु सु का अच्छा होता, उत्तम श्रेष्ठ सुयश सुगम आदि शब्द बना सकते हैं। उत उत का अर्थ होता ऊपर ऊंचा, ऊपर ऊंचा यानी उदय और उत्कर्ष जैसे बने शब्द हैं। उम्मीद है आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अब आगे के उपसर्गों को आप देखें, जैसे आगे अभी, अभी का अर्थ होता है सामने, और इसका जो नया शब्द हम आगत में जब अभी लगा देंगे तो बोल जाएगा अभ्यागत। अब आगत माने आ गया, जो हमारे सामने उपस्थित हो गया वो क्या हो गया, वो कौन है, अभ्यागत। इसी तरह से परी, परी का अर्थ होता है हमारे आसपास चारों ओर, तो परिजन, तो हमारे जो आसपास जो लोग जो सदस्य रहते हैं घर में भी हमारे परिजन कहलाते हैं। अगला है उप, उपका अर्थ होता है निकट, ये तो आप अच्छे समझ गए क्योंकि उपसर्ग में ही है, उप उपका अर्थ होता है समीप निकट। तो हमारे एक तो होता वन यानी जंगल और एक उपवन यानी बगीचा, तो हमारे आसपास जो छोटा सा बगीचा होता है उसे बोलते हैं उपवन, तो जो निकट है हमारे समीप रहता है। प्रति, ये जरूर जी हाँ, प्रति विशेष अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रतिकार और प्रतिदान। यदि हम, हमें दान दिया, एक तो दान होता है देना और उसके बदले में भी हमें कुछ मिला तो उसे बोलते हैं प्रतिदान, तो ये एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रतिकार का विशेष अर्थ में, प्रतिवादन इसका भी विशेष अर्थ में, आपको सिर्फ ये पहचानना है आगे से अभी अभी और उसके अर्थ। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो और आज के उपसर्ग जो कि संस्कृत के उपसर्ग हैं 22 समझ में आए होंगे। आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उपसर्ग पहचानना, और उससे भी जो महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण बात है वो है अर्थ, आपको अर्थ आना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी के उपसर्ग हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपना यूट्यूब चैनल द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।